हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CIZ प्लस। सो जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में बहुत जल्दी जूनियर इंजीनियर का एक पेपर होगा, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंजीनियर्स के लिए, जिसमें बहुत सारी वीकेंड पोस्ट हैं, बहुत सारी वैकेंसीज फिल होने जा रही हैं। मैं इस वीडियो में आपको टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक सीरीज़ ऑलरेडी चला चुके हैं यूट्यूब पर, हमारे इस चैनल पर आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको वो बता रहा हूँ। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूँगा फ्लूइड मैकेनिक्स की। सो आप जानते हैं कि RSMSSB कंडक्ट करेगा इस बार जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम, और ये जो एग्ज़ाम होगा ये डिग्री के लिए अलग होगा एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक डिफरेंट पेपर होगा। ऐसा हर साल ही होता, हमेशा होता आया है राजस्थान में कि डिग्री का एक सेपरेट एग्ज़ाम होता है, डिप्लोमा का सेपरेट एग्ज़ाम होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज कि डिप्लोमा में फ्लूइड मैकेनिक्स आता ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी इस बार क्या होगा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। बट अगर हम प्रीवियस पेपर्स को देखेंगे सो डिप्लोमा JEE के एग्जाम में फ्लूइड मैकेनिक्स का कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इफ़ आई टॉक अबाउट डिग्री, तो डिग्री में रफली अराउंड 10 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएगा यहाँ, 10 क्वेश्चंस। सो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये कौन से टॉपिक से पर्टेन करते हैं मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत छोटी सी वीडियो है, वो देखने से पहले दो काम जरूर कर लें। वन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक है, वो ज्वाइन कर लें, वो एक ग्रुप है ताकि हम आपको रेगुलर अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहें। सेकंड, CIZ+.com पर हमने एक फ्री टेस्ट सीरीज़ बनाई है जो JEE के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कम्प्लीटली फ्री टेस्ट सीरीज़ है। दो तरह की टेस्ट सीरीज़ हैं वैसे, एक फ्री है, एक पेड है, तो आप एटलीस्ट फ्री तो ज्वाइन कर ही लें। अगर आपको अच्छी लगे तो आप पेड ज्वाइन भी कर लें, पेड वाली टेस्ट सीरीज़ भी कर सकते हैं, बहुत मिनिमल कॉस्ट है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसा कि मैंने बताया फ्लूइड मैकेनिक्स में इन टोटल 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे डिग्री के पेपर में। सो अगर मैं बात करता हूँ फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पर एक क्वेश्चन आएगा। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ मतलब कि हम बेसिक स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, मास डेंसिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सरफेस टेंशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल, आपको पता होना चाहिए सरफेस टेंशन होते क्या, इसके यूनिट्स क्या हैं। प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। सो प्रेशर के एक तो यूनिट्स ध्यान में रख लेना आप, एंड पास्कल लॉ, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉयंसी, मेटा सेंटर, मेटासेंट्रिक हाइट एंड ये सब पूछ लिया जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। तो ये टॉपिक्स वैसे आप इनको नोट करने में, बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स बता रहा हूं बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर पेपर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, एक है वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स का टॉपिक है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा। सो या तो फ्लूइड या तो स्ट्रीम फंक्शन का क्वेश्चन होता है या वेलोसिटी पोटेंशियल का एक क्वेश्चन आता है। सो दिस वन क्वेश्चन नीड्स टू बी, इसके लिए आपको बेसिक डेफिनेशन दोनों की याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं वियर, नॉच और ओरिफिस, इसके ऊपर भी एक या दो क्वेश्चन आते हैं, या तो सिर्फ वियर का क्वेश्चन आता है या नॉच या ओरिफिस का क्वेश्चन आ जाता है। वियर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वियर और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होनी चाहिए, और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। पाइप फ्लो, अब इसमें आपको जो हेड लॉसेज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाइप फ्लो के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी से कह सकता हूँ एक या दो क्वेश्चंस। सो इसमें हेड लॉस, फ्रिक्शन लॉसेस, जो डार्सी वेशबैश इक्वेशन है वो सब इसमें पूछा जाएगा। तो सिंपल है, एंट्री है, जो मेजर और माइनर लॉसेस होते हैं वो सब आप जरूर इसमें कर लेना। नेक्स्ट बता देता हूँ, ये 3 टॉपिक्स हैं बस, लास्ट बता रहा हूँ, बर्नौली थ्योरम, यूलर थ्योरम। बर्नौली थ्योरम और यूलर थ्योरम से या तो इससे क्वेश्चन आएगा या यूलर थ्योरम से क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आप एक क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यूलर थ्योरम से ही बर्नौली थ्योरम डिराइव होती है। तो आप ये इससे एक क्वेश्चन आएगा, नोजल से भी क्वेश्चन आ जाता है 1। इसके अलावा ये जो सब कुछ है ये फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट हो रहा है, जो मैंने प्रीवियस बताया वो भी फ्लूइड डायनेमिक्स था, जिसमें मैंने आपको पाइप फ्लो बताया था, वियर, नॉच एंड ओरिफिस बताया था, ये फ्लूइड डायनेमिक्स था।
दिस वॉज फ्लूड काइनेमेटिक्स. सो फ्लूड डायनेमिक्स से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं टोटल. तो अगर मैं नोजल देखूँ एक क्वेश्चन आएगा, और इसके अलावा वाटर हैमर से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है. एक बार क्वेश्चन वाटर हैमर से भी पूछा गया था. सो दीज आर द टोटल टॉपिक्स जो कि फ्लूड मैकेनिक्स में आपको ध्यान देना है. अदरवाइज फ्लूड मैकेनिक्स का एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है. बट क्या आपको वो सारा करना है? नहीं करना. आपको सिलेक्टिव स्टडी कर लेनी है. इन केस अगर आप सारा कंप्लीटली पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा, फिर तो आपको पेपर बहुत ही आसान लगेगा, आप टॉपर बन जाएंगे. बट लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए और अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस करने के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं. सो विद दिस आई शैल कंक्लूड दिस वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ आपको हेल्प मिलेगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.